अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद विजयनगर कॉलोनी हनुमान टेंपल के पास से ये गरीब की छोटा हाथी ट्रॉली में से बैटरी का सरखा किया गया। इससे तीसरी बार ये सरखा किया गया, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं तो किसी को पकड़ने में कामयाब हुई। रोजाना 200 से 300 रुपए कमाने वाले ये शख्स बार बार शिकार बन रहे हैं ऐसे चोरों का, और 16 तारीख को भी इनकी गाड़ी की बैटरी का सरखा किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्राइम टुडे से बात करते हुए उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। अलीम साबिर के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं गरीब आदमी हूँ साहब। ये पूरा मेरे को गलत, मेरी गाड़ी के गलत है, ये गांजा पीने वाले गलत है, ये पूरा बैटरियाँ मार दे रहे हैं। अब ये मैं करे तो खाने का है, नहीं तो गलत भूखे मरने का है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, झोपड़ी में रहने वाला हूँ मैं, समझे नहीं कि मेरे ऊपर ही जुर्म हो रहा पूरा गलत है। हुमायूं नगर में 3 बार कंप्लेंट दे गया मैं। आप तक 3 मरतबा गाड़ी की बैटरियाँ मार, 3 बैटरियाँ चले गए मेरे को, 3 बार कंप्लेंट दे के आया, कोई पुलिस वाले मेरे एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। फिरते मैं गले रोजाना आ रहा हूँ गाड़ी करने बैठ रहा हूँ। अब ये कब मारे गाड़ी की बैटरी? मेरे को कह रहे 16 तारीख के दिन मारे गाड़ी की बैटरी। अब तक कोई भी पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ये गली में पूरे जाने के लिए। आप कंप्लेंट कब करे? आप 16 तारीख के दिन करा मैं कंप्लेंट, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया आपको? कौन से पीएस में कंप्लेंट करे आप? हुमायूं नगर पीएस में। आके देखे उन लोग? आके देखे, देखने के बाद चले गए चोर को पकड़ते, बोले अब तक चोरों को पकड़ रहे, गली में पूरा गांजे पीने वाले है सब पूरा। अब बोले आप पुलिस वालों को? बोला पुलिस वालों को, बोला लाके बताया करा। नहीं, गली में गांजा पीने वाले हैं यहाँ पर, आप लोगों को बोला, गांजा पीने वालों को बोला मैं, आप लोगों को पूरा तकरीबन गांजा पीने वाले हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, आती नहीं पुलिस की गाड़ी, फिरती नहीं, देखती नहीं, सब यहाँ पे तंग कर दे रहे हैं पूरे, क्या तो छोटे छोटे बच्चे क्या तो गांजे पी रहे हैं यहाँ पे, कोई भी क्या होता है दरगाह खाने बैठ के पी रहे हैं, यहाँ बैठ के पी रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब तक 3 मरतबा हो गया, 3 बार क्या है सर 13,500 रुपये लगा दिया मैं। अब ये करे तो खाना का है, अब ये सिलेंडर मैं सप्लाई कर दूँ, अब ये क्या दवाखानों से फ़ोन आ रहे हैं सिलेंडर लेके जाने का है मेरे को, क्या होता है गाड़ी में बैटरी नहीं है, तो मैं खाऊँ क्या, खाऊँ क्या, खाऊँ क्या, समझे नहीं। लॉकडाउन हो गया, चावल है तो क्या, आटे को पैसे नहीं है, आटा है तो दाल को पैसे नहीं है, अब क्या मैं रास्ते में क्या भीख मांगूँ क्या, ये बोलीजिए आप लोगों।